दोस्तों राम राम। ये हमारी खूबसूरत धनिया, और दोस्तों इस टाइम पे बहुत सही टाइम है धनिया उगाने का, तो आप भी उगाएं ढेर सारी धनिया और पूरी ठंड खाएं। एक बार उगाएं पूरी ठंड आप उस धनिया को खा सकते हैं। तो क्या, हाँ तो कैसे खा सकते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए हमारी धनिया, तो आइए तो सबसे पहले हम सीखते हैं धनिया उगाने का तरीका, किस तरह से धनिया बहुत आसानी से। किसी किन्हीं का एक कमेंट्स आया है, बोली धनिया आसानी से नहीं उगती है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी धनिया होगी। ये बिना मौसम की धनिया है, अब तो मौसम है धनिया का, इस टाइम पे आप उगाएंगे। ये हमने बारिश में उगाया था तो इतनी बढ़िया है, और इसको हम रोज़ खाते हैं। अगर आप इस टाइम पे धनिया उगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी धनिया मिलेगी। तो आइए चलते हैं किस तरह से धनिया उगाते हैं, किस तरह का पॉट का चयन करते हैं, किस तरह से मिट्टी और खाद इस्तेमाल करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आप भी इस तरीके से धनिया उगाकर पूरी ठंड उसको खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए, और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं, और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर दो चार बोर देर भर की सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर, और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। तो दोस्तों ये है पॉट जिसमें हम उगाएंगे धनिया। ये नीचे राख की बोरी खुल गई थी तो थोड़ी राख उसमें डल गई है। दोस्तों जिसमें हम लीफी वेजिटेबल उगाते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई वाला ना हो, गहराई के बजाय चौड़ाई वाला होना चाहिए, क्योंकि लीफी वेजिटेबल की जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, खासकर धनिया की। तो आप बहुत आसानी से इस तरह से इनमें धनिया उगा सकते हैं, चौड़े मुंह के जो भी आपके पास चौड़ा मुंह का हो पॉट, उसमें आप धनिया उगा सकते हैं। आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खाद वाली होनी चाहिए। हमारी ये मिट्टी हम बनाकर पहले से रखते हैं बोरियों में। देखिए बोरियों से अभी निकाले, इसमें खाद और मिट्टी बराबर बराबर मिक्स है। तो आप इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाकर रखते हैं तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, और इसके बाद इसमें आप जो चाहें उगा सकते हैं। तो मिट्टी का यही है कि इसमें मिली हुई है राख, राइस हस्क, और नॉर्मल मिट्टी, और कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कितने तरह के इस्तेमाल करते हैं ये आप जानिए। मैं तो 3-4 तरह की मेरी कंपोस्ट रहती है जिसको मैं सबको मिलाकर रखती हूँ। राख इसमें थोड़ा सा मैंने मिलाया है, और थोड़ी सी ऊपर से और राख मिलाऊंगी इसमें मैं। और इसमें दोस्तों नीम की सूखी पत्तियाँ भी मिली रहती हैं, क्योंकि मैं बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा जीरो बजट, तो मैं जीरो बजट में ही अपनी सब्जियाँ उगाती हूँ। तो इसमें आप हम कुछ और मिलाकर नहीं रखते हैं जो बाजार से लाते हैं, आप चाहें तो मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बेड तैयार हो गया है जिसमें सारी चीजें मिली हुई हैं। क्या क्या मिली हुई हैं मैं बता चुकी हूँ। राख अगर हो तो जरूर मिलाइए, राइस हस्क आधा कंपोस्ट है, तो इस तरह से इसको आप मिला लीजिए, सारी मिट्टी को ऊपर नीचे कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। और इसके बाद फिर हम आते हैं धनिया में। तो धनिया को हमको किस तरह से उगाना है, दोस्तों धनिया को दो तरह से उगाते हैं लोग। मैं एक ही तरह से उगाती हूँ, क्योंकि मैं वैसा नहीं करती, लोग करते हैं, उसमें कोई खास बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये रहता है कि जैसे पानी में भिगा दिया हमने 24 घंटे के लिए, फिर उसको छानकर डालना है इसमें, तो उससे थोड़ा जल्दी जर्मिनेट होता है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये है धनिया। धनिया आप मार्केट से भी ले सकते हैं, नॉर्मल धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल धनिया उतनी अच्छी पत्ते नहीं होती हैं, तो मार्केट से ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको हम किसी भी चीज़ से दरदरा, मतलब यानी दो टुकड़ा कर देंगे। मेरी धनिया दो टुकड़ा पहले से ही है, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो टुकड़ा हो गया है, अब इसको हम समेटेंगे और समेट कर इसको उगाएंगे। तो अब दोस्तों ये हमारा बीज तैयार हो गया, अब इसको हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे एक बराबर।
दीजिए मेरे को। इस तरह से हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए थोड़ा घना ही लगाएंगे क्योंकि इसको हम दाने के लिए नहीं उगा रहे हैं, इसको हम उगा रहे हैं पत्ती के लिए। तो इस तरह से इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा नीचे और बचा है दोस्तों, तो उसको भी कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारी धनिया तैयार हो जा रही है और मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, आप देखिएगा। थोड़ा घना दिख रहा होगा लेकिन घना ये है नहीं। तो दोस्तों स्प्रिंकल करने के बाद ये देखिए हमारी खाद कितनी बढ़िया खाद, नीचे मत गिराइए, बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से बनती है ये, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों ये घर में ही बनी हुई खाद है जिसको हम रखते हैं। अब ऊपर से हम थोड़ी सी, चूंकि ये जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती है उसमें खाद बहुत ज़रूरत होती है, तभी आपके पत्ते चमकदार और बहुत सुंदर और बहुत अच्छी ग्रो करेगी। तो इस तरह से धनिया को बोने के बाद ऊपर से थोड़ी सी खाद स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इससे आपकी एक तो ऐसी भी अच्छी मिट्टी बनी है लेकिन और अच्छी बन जाएगी और हमारी धनिया ढक भी जाएगी, क्योंकि धनिया जब ढकेगी तभी ये मॉइस्ट होगी, तभी इसका अंकुरण होगा। तो इसकी देखभाल का दोस्तों मैं बता रही हूँ, देखभाल का ऐसा है कि एक टाइम पानी जरूर डालिएगा, बस पानी को भी स्प्रे करना है बहुत तेज़ी से, जब तक इसमें जड़ नहीं बनती बहुत तेज़ी से पानी डालेंगे तो ये आपका बह जाएगा। इधर उधर डाल दीजिए थोड़ी सी राख, हाँ ऊपर से थोड़ा सा इसमें राख भी हम डालेंगे। देखिए तो इससे हमारा दाना पूरी तरह से ढक जाएगा और हमारे पौधों को बहुत अच्छा पोषण भी मिलेगा। दोस्तों मेरे पास मार्केट वाला कोई काम नहीं है, मैं सब कुछ अपने घर से ही इस्तेमाल करती हूँ और इसी से ही अपने पौधे ग्रो करती हूँ। तो दोस्तों ये धनिया हमारी लगभग 7-8 दिन लग जाएंगे इसको अंकुरण में, हो गया। तो 7-8 दिन बाद का मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इसको देखिए कि ये हमारी धनिया लग गई कैसे, देखिए चौड़ाई है इसमें, तो इससे क्या है कि इसको बहुत अच्छी जगह मिलेगी। इसीलिए आप दोस्तों चौड़े मुंह का बर्तन कुछ भी लीजिए, पॉट लीजिए जिसमें आप धनिया उगाएं। तो दोस्तों 10 दिन बाद का अपडेट ये है, आप इस तरह से देखिए हमारी धनिया जो है इस तरह से अंकुरण होना शुरू हो जाएगी, देखिए। और लगभग 30 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 25-30 दिन का अपडेट। ये है हमारा लगभग 25 दिन का अपडेट जिसको हम आराम से खा सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसकी पत्तियों को। तो दोस्तों इसको कैसे आप 6 महीने से ऊपर खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं कि इसकी सिर्फ पत्तियों को आप तोड़िए और ये देखिए किनारे से आप पत्तियां तोड़ेंगे और बीच से ये अंकुरण होता जाएगा, इसके ब्रांचेस पत्तियां निकलती जाएंगी और आप इनको हार्वेस्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप धनिया उगाते हैं तो आराम से आप बहुत दिन तक इनको खा सकते हैं। बस इनकी देखभाल का ये है कि इनकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, एक टाइम पानी जरूर दीजिए, धूप में रखिए। लगभग लीफी वेजिटेबल जो है या सब्जियाँ धूप वाली हैं, धूप आपके इसमें लगना बहुत ज़रूरी है आपके पौधे में। तो इस तरह से अगर आप उगाते हैं तो पूरी ठंड आप सब्जियां और धनिया पत्ती भी साथ में खाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका गार्डन है और धनिया नहीं है तो गार्डन आपका अधूरा है, इसलिए धनिया ज़रूर उगाएं। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा आपको अपना गार्डन टूर कराते हैं और कुछ साथ में हार्वेस्ट करेंगे और करेंगे कुछ बातें। तो दोस्तों धनिया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रही हूँ कि एक कंटेनर में धनिया आप ना उगाएं, आप कम से कम 3 कंटेनर में धनिया उगाएं, एक का खाएं, एक बढ़ता रहे, एक का तोड़ें, इस तरह से आपको धनिया की कमी नहीं होगी। एक कंटेनर का आप खा लेंगे फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए उगाएं ढेर सारे कंटेनर में जैसा कि मैं करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आपको कराएंगे गार्डन टूर, आप देखिए हमारा लहलहाता हुआ गार्डन। इसमें उगा है टमाटर लेकिन टमाटर कम दिखेगा, भाजियां आपको ज्यादा दिखेंगी, चौलाई भाजी, उसमें हमने लगाया है ग्वार फली, लहसुन पत्तों के लिए। दोस्तों लहसुन हमने पत्तों के लिए उगाया है, बहुत टेस्टी लगता है, अब इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। लहसुन जरूर उगाएं, इससे हमारे गार्डन में कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं।
थोड़े कम आते हैं, बाकी हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा अपने पौधों का ना दोस्तों। इसमें हमने बोया नहीं है, अपने आप उगे हैं। आपको मैं जो मैं आपको बताती हूँ ना हमेशा कि हमारे यहाँ जो सीड्स गिरते हैं हमारी मिट्टी में, वो इस तरह से मौका पाकर इस तरह से हो जाते हैं। आप देखिए, अब इसमें बैगन लगा है, बैगन को दबा दिया भाजियों ने, और ये हमारा ब्रोकली का पौधा है जिसका हमने डाला है। नर्सरी तैयार कर रही हूँ, इधर ये हमारा बैगन तैयार हो रहा, ये हमारे एडेनियम है, ये भी एडेनियम, और ये हमारे जेट प्लांट हैं। दोस्तों जेट प्लांट घर में ज़रूर लगाएं, इसको आप जिस शेप में ढालना चाहें बहुत खूबसूरत लगता है, आप इसको बना सकते हैं, इसके बोंजाय भी बना सकते हैं। यहाँ मिर्चियाँ पड़ी हैं, तोड़कर उठाए नहीं हैं। और ये मैं गेंदे के पौधे लेकर आई हूँ जिनको मैं उगा नहीं पाई। दोस्तों गार्डन में बहुत काम रहता है, बहुत मतलब सुबह से लगे रहते हैं हम, पता ही नहीं चलता कब इतना टाइम हो जाता है। ये हमारी अदरक है जो बहुत ही सुंदर है, और मैं आपको काम का जो बोल रही हूँ ना, मैं काम का बताती हूँ कि कितना काम करते हैं हम, आपको दिखाती हूँ मैं। आइए, कैंची कहाँ रखे, कैंची दीजिए ना। तो इधर देखिए, हमने इतनी साफ सफाई करी, ये पूरा जो है तो इतना ज़्यादा इसमें भर गए थे पौधे कि एक दूसरे को दबा रहे थे पौधों को। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी साफ़ सफाई करी। उसको हम दिखाएं, उसके पहले लौकी को तोड़ लीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए कितना हमने इसमें मेहनत करी। लौकी को काट लीजिए ना, दीजिए मैं जेब में डाल लेती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा डाल ना कटे। हाँ बस बस इतना ही कर दूँ। हाँ काट लीजिए। तो ये दोस्तों हमने काटी लौकी, रख दीजिए कहीं पर, और ये मिर्ची जो है तो कहीं रखने की जगह नहीं मिल रही, तो इसको हम रख लेते हैं जेब में। आज हम कुछ लेकर नहीं आए बर्तन, ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ तो हम तोड़ते ही हैं, तो बर्तन लेकर आना चाहिए, लेकर आते नहीं। लेकिन ये देखिए, ये साफ़ सफाई होगा, लेकिन रोहित बोला है आने के लिए, आज उससे सुबह बात हुई है, तो इतना काम हम कर लिए हैं। अब बाकी आगे का काम जो है रोहित करेगा, क्योंकि कितना कर लेंगे हम बताइए, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं। कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप क्या काम करती होंगी, माली करता होगा। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, माली मैंने नहीं रखा है। माली से जब मैं बात करती हूं और उनसे जानकारी कुछ भी किसी चीज़ की पूछती हूं, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर ऐसे माली को क्या करेंगे रख के। तो फिर लेबर ही ठीक है, उनको हमने बता दिया कि ये कर लो वो कर लो, वो कर लिए। तो कभी महीने दो महीने में जब हमको कंटेनर भरने होते हैं, जब हम एक बार फ्रूटिंग ले लेते हैं, इसके बाद हम नए सिरे से अपने कंटेनर भरते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है लेबर की, माली की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है दोस्तों। क्योंकि माली होगा कई लोगों को नॉलेज, लेकिन मेरी नज़र में जो आए उनको नॉलेज कम है, तो फिर मैं उनको नहीं रखती हूँ, क्योंकि रोज़ मैं नहीं बुला सकती। महीने में एक आध बार रोहित को बुला लिया और उससे सारा कुछ अपना अपडेट करवा लिया, बताकर कि हमको क्या चाहिए बस। तो दोस्तों हमारी लौकियाँ बहुत फल रही हैं, और हमने तोड़ा भी है बहुत सारा, और कुछ तो डाल भी कल काट डाली मैं गलती से दोस्तों, गलती से कटा। ये देखे, जैसे देखे ये कट गया, कोई बात नहीं, दूसरा फलेगा और दूसरी डालें बची हुई हैं। इसको अगर हम प्रून करते हैं ना, मतलब फालतू की जो डालें हैं, तो फिर ये अपना ध्यान जो है ना मेन डाल पे केंद्रित करती है, और फिर खूब सारा ऐसे फ्रूटिंग होता है, तो इसकी चिंता नहीं है। देखे ना, लौकियाँ भरी पड़ी हैं। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करते रहते हैं हम लोग दोस्तों। धनिया इधर भी हमने उगाया है, बस इसमें भाजियाँ हैं, तो इसको अभी मैं जस्ट निकाल दूंगी, तो ये धनिया भी हमारी फ्री हो जाएगी। देखिए अंकुरण हो रहा है, और ये इसमें हमने उगाया है पालक। जैसा कि मैं कह रही हूँ ना कि ढेर सारे सीड्स दूसरे वाले ग्रो हो जाते हैं हमारे यहाँ, तो फिर हम इनको तोड़ लेते हैं और फिर हम इनको खा लेते हैं। चौलाई भाजी तो अच्छी होती है सेहत के लिए, और ऑर्गेनिक की तो बात ही अलग है, तो फिर हम इनको खा लेते हैं, उखाड़ के, उखाड़ लेते हैं, मतलब तोड़ते नहीं हैं, उखाड़ लेते हैं। जनरली मैं अपने यहाँ सब्जियों को तोड़ती हूँ, उखाड़ती नहीं हूँ, लेकिन जब इस तरह से हमारे कंटेनर को ये ढकने लगते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इनको उखाड़ लेते हैं। देखिए चौलाई हर जगह आप पाएंगे हमारे यहाँ। तो इस तरह से दोस्तों हम उगा रहे हैं। हाँ, ये तो हमने आपको दिखाया नहीं, ये करमता है, इतना ज़्यादा हो गई थी कि इसको हम ना तो खा पा रहे थे, ना टाइम से तोड़ पा रहे थे, तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया। एक डब्बा इसमें खाद और एक डब्बा उसमें खाद हम डाल देंगे, दो ट्रे में हमने लगाया है। तो फिर नए सिरे से बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुलायम निकलेगी, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट इसमें निकलेंगे। ये हमारी भिंडी है जो आज हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, शाम को हो सकता है मैं तोड़ लूँ,
तो इस तरह से दोस्तों आज हमने किया ढेर सारा काम। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा आपको अपना एडेनियम दिखाएंगे और नीचे का जो हमने बोगनवेलिया उगाया हुआ है उसको दिखाएंगे। ये हमारा ग्राफ्टेड बैगन है। दोस्तों कई लोगों का सवाल आता है कि ये ग्राफ्टेड आपने कहाँ से लिया। दोस्तों एक नर्सरी है जो सिर्फ यही बेचता है, वो ग्राफ्टेड पौधे। ग्राफ्टेड पौधे मीन्स वेजिटेबल, यानी बैगन, टमाटर, मिर्ची। और मैंने उनके यहाँ कुछ भी नहीं देखा, तो ये वहाँ मिल जाते हैं, दूर है हमारे यहाँ से, लेकिन बस भटकते भटुकते हम पहुँच गए थे इसलिए हमने ले लिया। ये हमारा अदरक लहलहा रहा है, आप देखिए कितना सुंदर। देखिए ये बड़ा कंटेनर है हमारा। दोस्तों जीरो बजट इसलिए भी मैं कहती हूँ कि आप मेरे को जो वेजिटेबल मैं उगाती हूँ ना, कहीं भी आप मेरे को गमले में उगाते नहीं देखेंगे, क्योंकि गमले में जो है वेजिटेबल नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ, मिर्ची, बैगन, टमाटर ये हो सकते हैं, लेकिन अदरक वगैरह कितने गमले इस्तेमाल करेंगे तो आप अदरक उगाएंगे, तो इसलिए अदरक, हल्दी और ये, खैर मैंने तो गमले इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। इस तरह से टब भले इस्तेमाल कर लेती हूँ और इनमें उगा देती हूँ। इस्तेमाल के लिए आए हैं तो बना लिया, टूट गए तो, या तो जो कबाड़ी वाले होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। और मैं फ्रूट कंटेनर भी इस्तेमाल करती हूँ। देखिए इतने सारे मिर्ची, किसी में हल्दी, किसी में कुछ, इस तरह से हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो जिसमें हमने धनिया उगाया वो तो थर्माकोल है दोस्तों, तो इस तरह से आप, चलिए एक सीजन आपका चल जाएगा, इसके बाद फेंक दीजिए। वैसे जल्दी नहीं खराब होता है, बाय द वे अगर खराब होता है तो आप एक सीजन इस्तेमाल करके फेंक दीजिए, है कि नहीं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब आपको हम अपना नीचे वाली छत दिखाते हैं जहां ढेर सारे फूल खिलना शुरू हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब मैं नीचे उतर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं से आपको खूबसूरत परचूलाका हमारे दिखने शुरू हो जाएंगे। इतने कलरफुल, इतने जैसे ये देखिए, ये कलर, ये कलर, ये कलर, पता नहीं शायद 8 कलर हैं, अब ध्यान तो नहीं दिया हमने, पर इतने कलर हमारे पास हैं। परचूलाका कितने कलर का होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास इतने कलर हैं। और ये हमारी खूबसूरत बोगनवेलिया है, देखिए कितनी बढ़िया अभी खिल रही है। अभी ये शुरुआत है, पूरा जब खिलेगा तब आपको मैं दिखाऊंगी। और इधर घूमते हैं और इधर देखते हैं, वाह क्या बात है। इनमें थोड़ी खाद डालनी थी, पपीता तो भरे पड़े हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है। ये देखिए, देखिए हमारी परचूलाका, बहुत साधारण तरीके से दोस्तों इसको आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। एक छोटी सी कलम को भी आप मिट्टी में गाड़ देंगे, आधी मिट्टी आधी खाद, थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी भूसी, आराम से ये ग्रोथ हो करेगा। और इस तरह से धनिया, हाँ इस तरह से आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर। तो दोस्तों इस तरह से हमने उगाया है ढेर सारे फूल भी। दोस्तों अगर आप वेजिटेबल उगाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने यहाँ फूल भी उगाएं, इससे पॉलिनेटर आते हैं और आपके जो सब्जियाँ होती हैं जैसे लौकी और ये सब, तो पॉलिनेटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो पॉलिनेट होंगे और तभी वो बचेंगे। दोस्तों इसमें भी धनिया उगा हुआ है, थोड़ी नीचे इधर इस वाले में भी धनिया उगाती हूँ, क्योंकि हर बार ऊपर छत में जाना पॉसिबल नहीं होता है। और ये देखिए हमारे बोगनवेलिया अब खिलना शुरू हुए हैं। देखिए ये ऑरेंज कलर का है, ये देखिए, और ये वाइट है। और आपको सब्जी दिखाऊं कि मैं फूल दिखाऊं? ये हमारे पालक के कंटेनर हैं, थोड़ी ज़्यादा बारिश से ऐसे दिख रहे हैं, आप देखिएगा कितने सुंदर लहलहाएंगे, मैं इनको अच्छा कर लूँगी। ये है लाल भाजी जो बहुत ही सुंदर उगी है। ये है मेथी, मेथी का ये टाइम है, ठंड की शुरुआत हो रही है, अभी ठंड नहीं है लेकिन आप थोड़ा फास्ट ग्रो कर सकते हैं। ये है तिवरा भाजी और इधर हमारे खिले हुए हैं फूल, ये देखिए कितने कितने कलर, कितने सुंदर। ये जो है बोगनवेलिया आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं, इसलिए इनको ज़रूर उगाएं, खूबसूरत लगते हैं और आपके गार्डन को कई रंगों से भर देते हैं, तो इनको आप ज़रूर उगाएं। और इनकी देखभाल भी बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये देखिए ये हमारा ग्राफ्टेड वाला है जो अभी पहली बार खिलेगा, तो इसमें 3-4 कलर हमने ऐड किया था लेकिन 2 ही कलर की कलम बची है इसमें, मतलब ग्राफ्ट बचा है, देखते हैं कौन सा कलर खिलेगा।
तो बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार खेल रहे हैं। इसको देखिए, ये थोड़े से ऊंचे हो जा रहे हैं, तो जो कि मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही, इनको सेट करूंगी दोस्तों। मैं जो बड़े पौधे हैं उनको नीचे रखूंगी, छोटे पौधों को ऊपर रखूंगी। तो कल रोहित आ रहा है, कल हम कुछ काम करेंगे, देखते हैं कितना कर पाएंगे। क्योंकि रोहित आता है तो काम बहुत ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे बड़े पौधे हैं ना, तो ये नीचे रखूंगी, इनको मैं आपको सूट करके बता सकती हूँ। जो बड़े ऊंचे 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 उसमें हो जाते हैं ना, वहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँचते। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में कलर ऐड करिए और उगाइए ढेर सारी बोगनवेलिया और अडेनियम। मैं आपको इन पौधों के बारे में बोलूंगी कि इनको आप ज़रूर उगाएं। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कम मेहनत में हो जाते हैं, जिस तरह से सदाबहार भी बहुत ही कम मेहनत में होता है, बस इसको एक बार लगाना रहता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अडेनियम। मैंने भी नहीं देखा है हमारे अडेनियम किस स्थिति में है। यहाँ भी ऐसे पालक लगा हुआ है दोस्तों, कल इनकी देखभाल होगी। रोहित आ रहा है, इनमें सब में खाद डलेगी ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, ये हमारे खूबसूरत अडेनियम जो कि ढेर सारे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। और मेरे पास अरेबिकम नहीं था दोस्तों, जिसके लिए मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि मेरे पास अरेबिकम नहीं है। देखिए हमारा अरेबिकम, ये भी अरेबिकम है, ये भी अरेबिकम है, और भी है कहीं, हाँ ये देखिए, ये भी और भी हैं शायद, हाँ ये अरेबिकम है, ये वाला। देखिए इनमें सीड पॉट भी आए हैं, ये देखिए, और इधर भी कहीं मैंने देखा है सीड पॉट, और ये भी अरेबिकम है। इस तरह से मेरे पास शायद 6 अरेबिकम है और बाकी जो है नॉर्मल ओबिसम है। तो दोस्तों, इस साल मैं इनको ग्राफ्ट करूंगी कुछ पौधों को। तो देखिए, थोड़ा सा अभी बारिश वारिश हो रही है ना बीच बीच में, इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ। इस तरह से डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, देखिए। और अक्टूबर में इनकी तो प्रूनिंग भी कुछ की करूँगी, जो ज़्यादा लेंदी हो गए हैं उनको प्रून करूँगी। और ये हमारा ओम, और इधर जेट प्लांट ढेर सारे बन जाए, और कुछ मैंने गिफ्ट भी दे दिया दोस्तों लोगों को, बर्थडे गिफ्ट या जो भी। और कुछ देने के बजाय पौधा ज़्यादा मैं अच्छा समझती हूँ देना, इसी के चलते लोगों को पौधों के प्रति प्रेम जगता है। तो दोस्तों, अभी ये ढेर सारे फूल देकर गए हैं, अभी फिर से इनमें फूल आ रहे हैं, देखिए कलियाँ बन रही हैं। अभी कुछ 10 दिन पहले इतने फूल के सिर्फ फूल दिख रहे थे इनमें, लेकिन अभी पत्ता अपना झाड़कर नए तैयारी में है। एक बार और खिलेंगे ठंड के पहले, बहुत बढ़िया खिलेंगे, एक बार नहीं ठंड के पहले, डोरमेंसी में जाने से पहले ये खूब सारा फूल हमें देंगे। तो इस तरह से हमने बनाई है ढेर सारी डिज़ाइन जेट प्लांट के, जाने दीजिए ना, देखिए। इधर भी हमने ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन इधर हम ज्यादा पौधे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी गौ माता लोग इधर भोजन करती हैं। और दोस्तों, ये देखिए हमारे करेले भी फल रहे हैं, ये देखिए, लीजिए करेले तोड़ लीजिए, ये देखिए, और भी होंगे, बस मेरे हाथ में इतने ही आएंगे, लीजिए। और पोई के पौधे देखिए कितना ज़्यादा, अगर आप एक बार पोई उगाते हैं ना, अब देखिए ये सीड्स है पोई की ना, ये आपको पोई के सीड्स कहाँ मिलेंगे बोलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ भरे पड़े हैं पोई, आज 10 पेड़ पोई उखाड़ कर फेंकी हूँ, क्योंकि कितना इस्तेमाल करेंगे हम, कितना खाएंगे। तो ये पकने के बाद ऐसे लाल लाल एकदम हो जाता है हाथों में, ऐसे लगता है। और इधर भी हमने कुछ पौधे उगाकर, अभी मतलब जब हम शुरू में उगाते हैं ना तो ऐसे रखते हैं, फिर बाद में इनको हम जगह देते हैं कि कहाँ पर हम उगाएंगे। देखिए पोई के पौधे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। ये हमारा आम है, और ये लौकी उधर जाकर बहुत फल रही है दोस्तों, लेकिन तोड़ते नहीं बन रहा हमसे। और ये हमने ढेर सारी कलम यहाँ भी तैयार करी है, हिबिस्कस है और कनेर है। और ये जो है बोगनवेलिया, इधर भी मैं कलम तैयार कर रही हूँ, वो पान है,
एक दिन है मुझे पान का पौधा अपने से ही उन्होंने दिया, और ये हमारा अमरूद है। इधर हमने ढेर सारे जो पौधे लाए हैं इनको हम अभी रेस्ट करने के लिए रखे हैं, इनको उगाएंगे हम। इधर हमारी तुलसी, ये वाला दोस्तों ज़रूर लगाएं, ये लेमन ग्रास, ये हमारे सामी जी, और ये सारे ये मरुआ है, ये इसकी बहुत तेज़ गंध होती है तो इसको मरुआ बोलते हैं, और ये शंकर जी में चढ़ता है। और इसका नाम दोस्तों मैं फिर भूल गई, नाम मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई, और ये हमारी कलमें तैयार हो रही हैं इधर इस तरह से दोस्तों। और भी पीछे हमने बहुत सारी सब्जी उगाई हुई है, पीछे नहीं मतलब फल वाले पौधे उगाए हुए हैं, तो मैं अभी दिखाने नहीं जाऊंगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। ये है लाल भाजी, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है एक छोटे से कंटेनर में, मतलब ये टब है जो टूट गया है उसी में हमने उगाया है, तो देखिए कैसे लहलहा रही है देखिए। और ये है हमारा डेनियम। इस तरह से दोस्तों हमने उगाई है ढेर सारी सब्जियां, और सीड्स भी हम अपने घर का ही तैयार करते हैं। जैसे ये वाला हमारा नेनुआ है, इसको हमने सीड्स के लिए रखा है क्योंकि मार्केट में टाइम से मिलता नहीं, और जो मिलता है वो उगता नहीं। वाह भाई वाह, हमारी लक्ष्मी, हमारी हमारी गौरी पधारी हुई है। जय गौ माता की, जय गौ माता की। चलो तुम लोग को खाने का इंतजाम करते हैं। ये दोनों का भोजन टाइम है। हमारी गौरी और हमारी लक्ष्मी। दोस्तों राम राम। अरे ये मेरा चंदू है और ये लाली है। थोड़ा दूर हट जा, थोड़ा सा दूर हट जा। तो इसको दाल चावल बहुत पसंद है, ये लाली मेरे ऊपर आने को कर रही है। तो दोस्तों इसकी तकलीफ़ ही कम नहीं हो रही है, मतलब ये चल नहीं पाता है टाइल्स में, जैसे अंदर रहेगा ना तो फिर उठ नहीं पाता है, इसलिए इसको ज़्यादातर खाना मैं ऐसे बैठ के खिलाती हूँ। अगर ये टाइल्स में बैठ गया तो फिर जब उठने की कोशिश करता है तो इसके पैर जो है ना काम नहीं करते, फिसल जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको। पता नहीं कब नॉर्मल होगा मेरा चंदू। ये हमारी गौरी है, गौरी नहीं गौरी। अभी लक्ष्मी की बारी आएगी खाने की। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से दो चार चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।